हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ एक ऐसा हिना पेस्ट शेयर करने जा रही हूँ जिसे आप विदाउट एसेंशियल ऑयल के भी यूज़ करेंगे तो आपके हाथों पे मेहंदी का कलर बहुत ही अच्छा आएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे एक चम्मच डबल हाथी हिना पाउडर लिया है। आप जितना हिना पेस्ट बनाना चाहते हो उतना हिना पाउडर ले सकते हैं। यह पेस्ट मैं विदाउट एसेंशियल ऑयल के बनाऊंगी और इसका स्टेन भी बहुत अच्छा आएगा। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ लेमन जूस। ये मैंने एक लेमन का जूस निकाल लिया है जिसे मैंने अच्छे से छान लिया है। आप यहाँ पे कोई भी चीज़ इस्तेमाल करें तो छान के करें। और मैंने यहाँ लिया है ये पानी। इस पानी में मैंने 10 लौंग, 2 चम्मच चाय पत्ती और 1 चम्मच चीनी का इस्तेमाल किया है। 1 कप पानी में मैंने इन सबको डालकर उबाल लिया है और जब वो आधा कप रह गया है तब मैंने उसे बंद करके अच्छे से छान लिया था। और ये सारा पानी मैं मेहंदी में डाल दूँगी और इसे अब हम अच्छे से मिक्स करके इसका अच्छा सा पेस्ट तैयार कर लेंगे। इस तरह भी अगर आप मेहंदी लगाएंगे तो आपका हिना पेस्ट बहुत ही अच्छा बनेगा। और ध्यान रहे कि आप सब चीज़ें छानकर ही यूज़ करें, तो छानकर करने से कोन बिल्कुल नहीं रुकेगा और आपके डिज़ाइन भी ख़राब नहीं होंगे। अंत में मैं इसमें एक चीज़ और ऐड करने जा रही हूँ तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, क्यों नहीं कि आप इतना ही देख कर इसको स्किप कर दें। देखिए कितनी अच्छी पेस्ट तैयार हो गई है हमारी। तो अब मैं इसे ढकने के लिए फॉइल का इस्तेमाल करूँगी। मैं आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन बताऊँगी, आप इनमें से कोई भी ऑप्शन लेकर यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ये बचा हुआ पानी भी मैंने इसमें डाल दिया है और इसे भी मैं मिक्स कर दूँगी। ये देखिए, अब मैं यहाँ पे विक्स यूज़ करूँगी। विक्स यूज़ करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसको हमें ढकने के लिए या तो आप फॉइल ले लीजिए या इस तरह की टाइट रैपिंग शीट ले लीजिए। तो अब हम यहाँ पे विक्स यूज़ करेंगे। विक्स यूज़ करने से इसका स्टेन बढ़ जाएगा। जिनके पास एसेंशियल ऑयल नहीं है वो यहाँ विक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी मेहंदी के स्टेन को बढ़ा सकते हैं। ये देखिए, मैंने छोटी चम्मच से लगभग 1 चम्मच विक्स ले लिया है और इसे अब मैं इस मेहंदी पेस्ट में ऐड कर दूंगी। इसे हमें जब ही ऐड करना है जब आप फॉइल पेपर को फाड़ कर रेडी कर लें, क्योंकि इसको एंड में ही हमें ऐड करके डायरेक्ट इसे ढक देना है। यूँ नहीं आपने इसे ऐड कर दिया है और इस मेहंदी को अब आप खुला छोड़ देंगे। आपको खुला नहीं छोड़ना है, इसे इसी तरह रैप करके ढक देंगे। अब मैं इसे अच्छे से रैप करके ढक दूंगी। और 3 घंटे के बाद हम देखेंगे कि हमारी पेस्ट कैसी है। देखिए 3 घंटे हो गए हैं, अब हम देखेंगे कि हमारा पेस्ट किस तरह का तैयार हुआ है। रैपर हम हटा देंगे। मैंने हिना पेस्ट को एक गर्म जगह पर रखा था, जहां आप जानते हो कि आपके घर में जो गर्म जगह है वहीं पे आप इसे रखिए। धूप में ना रखिए, गर्म जगह पर रखिए। ये देखिए पेस्ट एकदम तैयार हो गया है और बहुत ही स्मूथ और सॉफ्ट बना है। इसे अच्छे से हम फिर से मिक्स कर लेंगे और मैं इसे अपने हाथ पे उंगली पे आपको लगा के और सुखा के बताऊँगी। ये देखिए कितनी अच्छी स्मूथनेस आई है। मेरे फ़ोन की बैटरी लो हो गई थी इसलिए मैं वीडियो नहीं बना सकी ज़्यादा, तो इसे मैं ड्राई करके और मैं आपको साइड में दिखा दूँगी कि इस तरह का मेहंदी मेरी रची है, जो इस तरह का स्टेन इसने लिया है। क्योंकि बैटरी लो हो गई थी और लाइट भी नहीं थी इसलिए मैं वीडियो और नहीं बना पाई। तो आप इस पेस्ट को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपके पास एसेंशियल ऑयल नहीं है तो
तो आप ऐसे विक्स की हेल्प से भी बहुत अच्छा स्टेन ले सकते हैं। अगर आप इसे 12 घंटे के लिए रखेंगे तो इसका स्टेन और भी अच्छा आएगा। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि इसी तरह की वीडियो मैं आपके लिए हमेशा लाते रहूँ। तब तक के लिए बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए आर्ट ऑफ सृष्टि चैनल को और बेल बटन को दबाएं हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।